मुंबई में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, और जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें ये कहा गया है कि जितने लोगों को एयरपोर्ट पर आने की इजाजत थी उससे ज्यादा लोगों के आने की वजह से सवाल ये उठता है कि एक के बाद एक जिस तरह से कानूनी मामले अब खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि अगर ज्यादा लोग एयरपोर्ट में पहुंचते हैं या घुसने की कोशिश करते हैं तो ये काम तो प्रशासन का है कि उन्हें रोका जाए। बहरहाल आपको याद होगा ऑटो वालों का भी चालान इस पर किया गया था। सीधे रुक करते हैं मुनीश हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। मुनीश विस्तार से बताएं क्या मामला, क्यों ये एफआईआर दर्ज की गई है? जी अंजना, देखिए 24 घंटे भी नहीं हुए अरविंद केजरीवाल के मुंबई के दौरे को और दो मामले फिलहाल दर्ज हो चुके हैं। तीसरा मामला जो चर्चगेट रेलवे स्टेशन पे उन्होंने जो मेटल डिटेक्टर थे उनको तोड़ा था उसमें भी दर्ज हो सकता है। आर पटेल ने साफ कर दिया था कि कार्रवाई होगी। कल जब एयरपोर्ट पे अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे तो वहां पर आप समर्थक काफी संख्या में पहुंच गए थे, और जो धाराएं लगाई गई हैं 188 और 141 उसमें साफ तौर पे कहता है कि अगर कोई सरकारी व्यक्ति है और उसके आदेश को नहीं माना जाता है तो ये धाराएं लगाई जाती हैं। हालांकि फिलहाल इसमें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले की चार्जशीट बनाई जाएगी, चार्जशीट कोर्ट के सामने रखी जाएगी और कोर्ट उसके बाद निर्णय लेगा कि इसमें क्या कार्रवाई करनी है। तो कहीं ना कहीं मामला गंभीर है, लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल के लिए कोई मुसीबत का सबब नहीं है इस वक्त। दूसरा, हमने मयंक गांधी से इस विषय में बात की थी, वो खुद उस समय वहां पर मौजूद थे। मयंक गांधी ने साफ तौर पे आरोप लगाया हुआ है कि कहीं ना कहीं इसमें जो कानून प्रशासन और साथ साथ जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी मिली भगत है इसमें, और उसकी वजह से कार्रवाई लगातार की जा रही है। वो मुनीश इसे राजनीतिक साजिश करार दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।